तो क्या होगा अब जम्मू कश्मीर का? क्या बीजेपी को ये दिखाई दे रहा था जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हो पा रहे थे? जम्मू कश्मीर के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे, इसलिए बीजेपी ने सोचा कि जवाब देने से बेहतर है कि पीडीपी से रिश्ता तोड़ दो। लेकिन क्या बीजेपी रिश्ता तोड़ने के बाद जवाब देने से क्या बच पाएगी, क्या जनता अब उनसे सवाल नहीं करेगी? इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बीजेपी को यह भी दिखाई दे रहा था कि अब तक चार साल में जो वहां पर कुछ नहीं हुआ, अगर वहां पर अब एक डेढ़ साल का अगर वक्त उनको मिल जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो लोकसभा चुनाव में वो कह रहे थे कि सख्ती से इन हालातों से हम निपटेंगे, क्या अब सख्ती से वो इन हालातों से निपटेंगे? आसिफ देखिए, फ्रॉम द डे वन जब ये दोनों सरकार का मिलन हुआ था, गठबंधन हुआ था, तो इन्होंने खुद ये बोला था कि नॉर्थ और साउथ पोल मिल करके ये गठबंधन हमने बनाया है और एक हम नई दशा और दिशा कश्मीर में देंगे। मैं बोलता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों विपक्ष के लोग या विपक्ष के नेता इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ये फैक्ट तो नेकेड आई से है। आप बीजेपी के काम करने की नीति, रणनीति, चाल चलन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी की आइडियोलॉजी के टोटली अगेंस्ट जो पार्टी है उससे शेक हैंड, हाथ मिलाने का पर्पज क्या था? तो डेफिनेटली वही शुरू में ही बीजेपी का एक मंशा थी कश्मीर के शासन प्रशासन में घुसने की, वो उन्होंने किया। अब रही बात क्या, पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया सुधारने का, उसमें पूरी सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, नहीं मिली। लेकिन डैमेज कंट्रोल का जो प्रोसेस है ना, वो बीजेपी का बहुत अच्छा है। आपने जो बोला वो सही बोला, ये करेंगे क्या? इन्होंने कंडीशन ऐसा कर दिया है कि अब कोई रास्ता नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाओ। यानी घोड़े के ऊपर सवार कोई भी हो, लगाम पीछे से बीजेपी खींचेगी ही खींचेगी। इससे बीजेपी को एक फायदा ये हो सकता है कि अभी महबूबा मुफ्ती जो सरकारी कामों में या बीजेपी का जो भी एजेंडा सही या गलत था उसमें जो थोड़ा बहुत प्रतिरोध या अड़ंगा या ये सब चीजें होती थी, वो अब बीजेपी को नहीं होगा। तो हो सकता है बीजेपी ने ये प्लान किया हो कि एक साल के भीतर हम वहाँ बहुत कुछ रिवोल्यूशनरी वो कर देंगे, बहुत सारी चीजों का ग्राफ हम ऊपर नीचे कर देंगे, या जो संख्या है, जो कैलकुलेशन है उसको। अगर एके मिश्रा जी आज ये कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, कल तक कह रहे थे कि सरकार बेहतर काम कर रही है, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं, सरकार विकास को काम को लेकर संजीदगी से काम कर रही है, तो आज बयान उल्टा, तो जनता के कैसे समझ में आएगा? कल कुछ और, आज कुछ और। आसिफ, इसी का नाम पॉलिटिक्स है ना। देखिए, बीजेपी इन्हीं सब मामलों में दूसरी पार्टियों से, ये एक रणनीति है और जो अलाउड है सारी पार्टियां करती है। मैं बोलता हूँ मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ये इतना सही टाइम है कि आप जो है बाहर निकल आए, और बाहर निकल जाने के बाद देखिए महबूबा सरकार की गलती क्या है, यही स्टेप अगर उन्होंने पहले ले लिया होता तो शायद ये ब्लेम उनके सर पे नहीं आता। इन्होंने इतनी चालाकी से, देखिए बीजेपी भी ऑपरेट कैसे करती है, 6S का फार्मूला, हमारे प्रधानमंत्री जी S बहुत यूज करते हैं। आसिफ नहीं, यहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो, उस फैसले को लेकर बीजेपी की क्या नीयत साफ नहीं हो पा रही है, क्या उन्होंने अक्लमंद एक फैसला लिया? अक्लमंद सब कुछ जानना है कि बीजेपी ने क्यों कुछ फैसला लिया है। अब सवाल यह है, क्या दोनों के गठबंधन को लेकर क्या जो कार्रवाई की जा रही है सेना की तरफ से, या सुरक्षा के हालात को लेकर, वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब थे, इसके बारे में पूछेंगे मीनाक्षी जी से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, आज का मुद्दा, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया, जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हालात क्या अब और भी ज्यादा खराब होंगे या फिर हालात सुधरेंगे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद? इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी, अब क्या लग रहा है सुरक्षा को लेकर, क्या हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसका असर पूरा पड़ेगा? नहीं, अभी हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी में अगर देखें तो जो वहाँ के जो सुरक्षा बल हैं, जो वहाँ के जो सैनिक हैं, अभी अगर उनको फ्रीडम पूरी दी जाएगी, अगर ऑल आउट ऑपरेशन करने के लिए पूरी फ्रीडम दी जाएगी, तो
तो हालात कहाँ से बेकार होंगे, हालात तो मुझे लगता है और सुधरेंगे, क्योंकि जो मनोबल है इस पीरियड में इतना ज़्यादा सैनिकों का गिरा है कि अगर सैनिक वहाँ से जा रहे हैं तो कोई उनके ऊपर चप्पल फेंक रहा है, कोई उनके ऊपर सर पे उनके हेलमेट को उतार रहा है, कोई पत्थरबाज आके उनका पूरा जो रास्ता है वो रोक रहे हैं, और सेना के पास में हथियार होते हुए भी उन्हें कुछ कोई एक्शन नहीं लेना है। तो फौज किस लिए रहती है? फौज इसलिए नहीं रहती है कि आप आओ और हमको बेइज्जत करो और हम पे अटैक करो। फौज का काम यहाँ पे जो है, जो मॉब जो ट्रेनिंग है, मॉब ट्रेनिंग के लिए नहीं की गई है। मॉब ट्रेनिंग करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं। सैनिक का काम है बॉर्डर पे लड़ना, बॉर्डर पे आमने सामने की लड़ाई करना। ये जो छुप छुप के जो वार किए जा रहे हैं, उनके जो पीठ पे जो छुरे घोपे जा रहे हैं, तो अगर उनको अब प्रेसिडेंट ये अपना जो गवर्नर रूल पे अगर उनको वो आज़ादी मिलेगी ऑपरेशंस करने की, तो हमारी जो फौज है वो बिल्कुल निकम्मी नहीं है, अच्छे से काम करेगी। बिल्कुल, अब इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन मीनाक्षी जी, क्या ये बात सही नहीं है कि दोनों की गठबंधन की वजह से पीडीपी लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी, उस दबाव का असर सेना के ऊपर भी पड़ रहा था, कार्रवाई के ऊपर पड़ रहा था, और ये सच्चाई है? जी बिल्कुल पड़ रहा था। अगर जो पॉलिटिकल जो वो फ्रेम है, अगर उस पर सीज फायर का जो प्रपोर्शन रखा गया, तो वो क्यों रखा गया? एक कहता है कि सीज फायर होना चाहिए, एक कहता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन आपका एजेंडा जो है, आपका गठबंधन है, तो आपको पॉलिटिकली आपको वो सारी चीज़ों को मानना भी है, लेकिन आपके इनके मानने में और रूठने में कौन मर रहा है? आम जनता मर रही है, सैनिक मर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर अटैक हो रहा है, यही लोग घायल हो रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको पहले गठबंधन करने से पहले सोचना चाहिए, या आपको सीज फायर करना है उससे पहले सोचना चाहिए। जो आपकी जो सॉफ्ट राजनीति है, जो पीडीपी की जो सॉफ्ट राजनीति है कि हमें मिलिटेंट्स के साथ में हमको वार्ता करनी चाहिए, कब से वार्ता करनी है? 1990 से जो कंडीशन जो धीरे धीरे बाद में जो सुधरी थी, आज हम उससे ज़्यादा बदतर हो गए हैं वहाँ पे। वो पहले के टाइम पे जब कोई मिलिटेंट मरता था तो उसके जनाजे नहीं निकले जाते थे, पूरी जो आवाम है पूरी आके उनका जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करता था। आज की डेट में ये है कि जब वहाँ पे जनाजे निकलते हैं तो वहाँ पे 10 और मिलिटेंट पैदा होने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जो उनका जो मोटिवेशन है, जो इस तरीके से जो वो कर रहे हैं, वो सारा गलत है। जो पत्थरबाजों के लिए उन्होंने कहा कि उन पे उनको सारे केसेस उनके वापस ले लिए जाएंगे, उनको माफ़ीनामा दिया जाएगा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जब आप कमेंट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, मुझे समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि वो बच्चे जो हैं गुमराह बच्चे हैं। बच्चा जो है एक 12 साल का बच्चा होता है, 6 फुट का बच्चा नहीं होता है। जो अपराध कर रहा है वो कैसे गुमराह होगा? और जो लगातार कर रहा है जी, और जो उसको सजा मिलना चाहिए, माफी नहीं। जो बच्चा है वो यहाँ पे नकाब पहन के अटैक नहीं करता है, बच्चे को क्या पता है? लेकिन हाँ, आप उनको क्लेम कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं, उनको माफ कर दीजिए। कब तक माफ करने की बात करते हैं? आपने 1990 में वहां से सारे हिंदुओं को निकाल दिया, अब आपका एजेंडा क्या रह गया है? तब भी पीस नहीं था, अब भी पीस नहीं है, तो आखिर वहां की जनता चाहती क्या है? क्या राजनीतिक असर था पूरा सेना के ऊपर? दोनों का गठबंधन जो था, बेमेल गठबंधन था, क्या इसका असर था? क्यों नहीं पड़ा? जो आप ये सोचिए कि जो फौज का है, फौज की जो ड्यूटी है, वो उसे पता है, उसने अगर वर्दी पहनी है तो उसके अगर उसको सामने गोली आती है तो वो गोली खाएगा, वो शहीद होगा, देश के लिए कुर्बान होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अगर वो अगर किसी ऑपरेशन के लिए निकल रहा है तो उस पर मीनाक्षी जी, इसमें जो केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हमने जो है वो सेना को खुली छूट दे रखी है, सेना कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर खुली छूट दे दी, एक तरफ वो पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ जो कूड़ा फेंक रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं, किस तरह से गतिरोध, अगर खुली छूट थी वो दिखाई कहाँ दे रही थी? दिखाई तो नहीं दे रही थी वो चीज़, दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही थी। मैं वही तो मैं बता रही हूँ, जो साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम होता है, साइकोलॉजिकल आपने अपने जवानों को पूरा नीचे गिरा दिया है, मनोबल गिरा दिया था पूरा उनका, वो जो मनोबल है वो तो पूरा टूट चुका है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर आपका जो सैनिक है, अगर उसको ये ढांढस नहीं है कि पीछे हाँ उसका जो पूरा देश है उसके साथ में है, हम बात करते हैं कि पूरा देश फौजियों के साथ में है, पूरी हमारी जो रक्षा जो प्रणाली है उसके साथ में है, देश बड़ा सम्मान करता है सैनिकों का, क्या सम्मान करता है? एक छोटे से कॉलम में किसी शहीद का एक स्टोरी आ जाती है, थोड़े दिन के लिए जाते हैं वहाँ पे शहीदी उस
पूरी जो भीड़ होती है वो रहता है वहाँ पे, वो रहता है। उसके बाद क्या होता है, सैनिक के कोई कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, एके मिश्रा जी, सवाल यह कि जो दोनों पार्टियों का गठबंधन था, क्या इसको लेकर सुरक्षा को लेकर एक तरह से समझौता हो चुका था? आसिफ देखिए, 101% ये गठबंधन क्या था, गठबंधन ये था कि दो पार्टियों की विचारधाराएं एकदम से अलग है, खींचतान हर चीज में वहां पे लगी रहती थी। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मिलिट्री वहां पे जब कभी ऑपरेशन चलाती थी तो डबल लेयर का ऑपरेशन होता था। उसमें ये होता था कि मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देती थी और भीड़ को, जो भीड़ वहां इकट्ठी होती थी, मॉब इकट्ठी होती थी, मतलब सिविल मैनेजमेंट जो होता था वो वहां के लोकल पुलिस का काम होता था। लोकल पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, मिलिट्री अपना एक अलग हुआ है। अच्छा, अब जो लोकल पुलिस है वो मिलिट्री को सपोर्ट करना चाहिए, वो उतना इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का आदेश, जो सीएम है वो कुछ और है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मतलब मिसमैनेजमेंट होता था, खींचातनी वहां पे चली रहती, हमेशा चलती रहती थी और ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो चूंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा, दोनों इवन कश्मीर मुद्दे को लेकर के इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, दोनों पार्टियों की विचारधाराओं में टैक्टिक्स में 36 का आंकड़ा था। जब आंकड़ा 36 का है तो वो मिसमैनेजमेंट होना ही होना है वहां पे। जो भी ऑपरेशंस है पीस को कायम करने के लिए, पीस को रीस्टोर करने के लिए, चाहे वो सख्ती बरतना हो और चाहे नरमी बरतना हो, दोनों ही चीजें वहां पे नहीं हो पा रही थी। तो जिसका परिणाम ये था, देखिए पॉलिटिकल बेनिफिट सारी पार्टियां लेती है, बीजेपी ने भी बड़ी चतुराई से, मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट लिया। बीजेपी का एक एजेंडा, एक स्ट्रेटजी ये होती है। नहीं, बीजेपी को क्या फायदा हुआ गठबंधन से, अगर आपकी नजर में कोई लग रहा है तो क्या फायदा हुआ, जबकि देश भर में सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष उनके ऊपर निशाना साध रहा, बीजेपी को दिखा लास्ट में कि फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा है, इससे भैया अलग हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी इनकी ये होती है, जो आपके विपक्षी दल है आप उनको एक्सपोज करो, 4 साल में कुछ किया या नहीं किया। अब उन्होंने एक्सपोज करके सारे आरोप तो लगा दिए ना कि हम तो जी पूरा सपोर्ट दे रहे थे और ये स्टेट गवर्नमेंट और उनकी चीफ मिनिस्टर जी थी वो यहाँ फेल हो गई, यहाँ फेल हो गई, यहाँ फेल हो गई। तो बड़े इजी तरीके से बीजेपी ने उनको एक्सपोज करके सारी गलतियां उनके सर पे पॉलिटिकली मढ़ दी। अब इससे बीजेपी चाहती क्या है, इससे बीजेपी चाहती यह है कि भाई वी आर स्टिल डिटरमाइंड, हम अभी भी डिटरमाइंड है और जो काम हम नहीं कर पाए वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की नॉन कोऑपरेशन वहां पे था। अब वो हम राष्ट्रपति से कैसे कहेंगे, अभी तक तो कह रहे थे कि हम पूरी तरह से सरकार सही काम कर रही है, पीडीपी सही काम कर रही है। आसिफ देखिए, वो शुरू के दिन है जो मतलब फिर लोग सवाल पूछेंगे 3.5 साल तक आपने कैसे खींच ली गाड़ी, बेबेल जब गाड़ी थी। 3.5 साल जो होता है, देखिए होने को तो ये तो खैर पहले दिन से इनको पता था। देखिए बीजेपी की जो मंशा थी, भले कोई भाप पाए या ना भाप पाए, ये तो इनको पहले दिन से पता था। इनके कुछ हिडन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एजेंडा थे जिसके कारण ये सरकार में गए थे, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला, उन्होंने वो अपने सारे एजेंडा को वहां पे पूरा किया। सबसे पहला एजेंडा क्या हो सकता है, ये कभी भी वहां सरकार में थे नहीं। सरकार में जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लोकल बहुत सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में मिलती है। हो सकता है बहुत सारे नए लोगों को ट्रांसफर किया गया हो, नए लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंट किया गया हो और अब उनको लगा कि सारी परिस्थितियां, हर जगह हमने अपनी वोट जो है फिट कर ली है, तो अब बाहर एग्जिट करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चलिए, अनिल मिश्रा जी, गठबंधन भले ही दोनों पार्टियों का था, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ सुरक्षा को लेकर, कार्रवाई को लेकर, आंतरिक मामले को लेकर, क्या सब कुछ जो चल रहा था सिर्फ पीडीपी का चल रहा था, ये मजबूरी से दिखाई दे रही थी बीजेपी की? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ जो देखने समझने में आ रहा है इतने 3.5 साल के बाद, 4 साल जेएन सरकार, नहीं जो बीजेपी की अपनी कश्मीर को लेकर कठुआ कांड को लेकर बीजेपी जो फैसला लिया सरकार ने, बीजेपी नहीं चाहती थी फैसला हो। इसके बाद जो रमजान के महीने में ये सीज फायर या एक तरफ का संघर्ष रोकने की बात हुई संघर्ष विराम के लिए, ये भी नहीं चाहती थी बीजेपी, लेकिन मानना पड़ा ना फिर भी बीजेपी को। देखिए आसिफ जी, ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में ये स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। अगर आप फर्स्ट डे से इस पे माइंड करें, जब चुनाव होता है और जिन स्थित परिस्थिति में ये पीडीपी से हाथ मिलाते हैं, कि इनका ये स्टेप ही वहां पर इनको कंफ्यूजन में ला दिया और ये शो कर दिया कि कंफ्यूज है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, बीजेपी हो या बीजेपी जिस संगठन से बनी हुई है, उसकी पूरी विचारधारा या
उसने सर्वाइव भी किया है तो ले देखे कश्मीर मुद्दे पर। अभी तक वो कश्मीर के खिलाफ और सख्त से सख्त, चाहे वो स्टेटमेंट रहा हो चाहे कार्रवाई करने की बात रही हो, उसके थ्रू ही वो आज तक आगे बढ़ी है। अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी के उफान में बहुत बड़ा योगदान कश्मीर मुद्दा है, और होते होते जब ये 2 सीट से लेकर 325 तक आते हैं और एक मौका मिलता है इनको कश्मीर में सरकार बनाने का, तो ये जो सत्ता पाने की ललक इनकी दिखी और जिस हिसाब से इन्होंने पीडीपी से गठबंधन किया, यहीं पर शो हो गया कि इनकी अपनी नीति क्लियर नहीं है। उसका हम आपको उदाहरण बताते हैं सर। अभी तक चाहे मोदी पहले दिन रहे हो या अभी तक बोलते हैं कि मैं गोली का जवाब गोली से दूंगा, सर का एक सर के 10 सर लाऊंगा, बोलने में लेकिन करने और कथनी करनी में अंतर दिखता रहा। एक तरफ देखिए गए जिस तरह मोदी बीच में पाकिस्तान बिना इंफॉर्मेशन के चले गए थे, तो वो ऐसे कोई अचानक नहीं चले गए थे, इसमें पीडीपी का दबाव भी था, इनकी अपनी दो मुही जो राजनीति है, एक तरफ ही ऊपर से स्टेटमेंट में अपनी कड़े संदेश देना चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ये अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जो उस गवर्नमेंट ने किया था कि एक शांति वार्ता की कुछ पहल की जाए, शायद कहीं कोई गुंजाइश बनती हो, तो ये दोनों जो रेल की दोनों पटरियों पर एक साथ चलने का इन्होंने प्रयास किया, उसका रिजल्ट आज हमको ये देखने को मिला है कि आज स्थिति और विकट हो गई है, कश्मीर की समस्या और ज्यादा उलझ गई है। पीडीपी का जो उद्देश्य था पीडीपी ने पूरा कर लिया। अगर आज भी आप महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हो तो उसने बड़ी चालाकी से, अगर आप ध्यान दें तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बीजेपी पर एक भी आरोप नहीं लगाया। आज सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि जहां बीजेपी ने जब समर्थन वापस लिया, पूरी पार्टी पूरे नेता उतर गए मीडिया में और पीडीपी के ऊपर आरोपों का भंडार लगा दिया, लेकिन ये आपने माइंड किया पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उन्होंने बीजेपी पर कोई बड़ा तीखा वार या बड़ा हमला नहीं किया। उन्होंने कहा क्या, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो एजेंडा था, हमने जिस बात के लिए गठबंधन किया था उसमें हम सफल रहे। 3 बातें उन्होंने साफ साफ कर दी जो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो गई। उन्होंने कहा 370 से रोकने का जो मेरा प्रयास था हम 3.5-4 साल रोकने और यही बात अनिल मिश्रा जी यही बात बीजेपी ने कहा था, हमारी सरकार बनी तो 370 को हटा देंगे, और पीडीपी ने एक ही बात कह दी जो सब पर भारी थी, इसको कि हम 370 कम से कम नहीं है, इसको समझने वाली बात नहीं करना चाह रहा था कि अब आप बैकफुट पे आ गए बीजेपी। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो ये जो महबूबा मुफ्ती हैं वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जो सीज फायर हुआ था तो वो जो लोकल वहाँ की जनता है वो बहुत खुश थी, वो बड़े आराम से रही है, लेकिन उनको उस टाइम पे वो कहती है कि ज्यादा कुछ कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। ये उन्होंने बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है। सबसे ज्यादा जो पत्थरबाज हैं इसी टाइम पे निकले हैं, इसी टाइम पे निकले 48 घटनाएं हुई हैं इस महीने। आप ये मान के चले कि अगर फौज अगर वो वैली के अंदर अगर वो लड़ रही है, अगर वो सिविलियंस के साथ में अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, पत्थरबाजों से प्रोटेक्ट कर रही है, उनके जब पेट्रोलिंग हो रही है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो इसकी आड़ में जो पाकिस्तान वहाँ पे बैठा हुआ है जिसने अभी विंटर सीजन में इन्फिल्ट्रेट करने हैं, तो उसको तो पूरा मौका मिल रहा है। जितने ज़्यादा यहाँ पे अंदर अंदरूनी जो घपले चलते रहेंगे, पूरी लड़ाई चलती रहेगी, माहौल खराब रहेगा, तो जो हमारी फौज है वो सिर्फ यहीं पे। एक चीज़ और मीनाक्षी जी, आज उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होना चाहिए, आवाम से यहाँ की बातचीत होना चाहिए, इसको इस बयान का सुरक्षा को लेकर क्या असर पड़ेगा सुरक्षा व्यवस्था पर? मैं वही बता रही हूँ कि जो पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि पाकिस्तान से भी वार्ता कंटिन्यू होनी चाहिए थी, यहाँ के जो लोकल हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात करते करते इतना टाइम कैसे निकाल लिया? उन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और ये आप कैसे मान के चलें कि जब आप सीज फायर कर रहे हैं या जब वहाँ से पाकिस्तान से बराबर अटैक होते जा रहे हैं और उसके बाद में भी आप सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहती हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आपके हिसाब से आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो सिर्फ कुछ ही लोग जो कश्मीर में जो रहते हैं उन्हीं से ताल्लुक़ रखता है। आपको पुंछ राजौरी में जो जितने भी बॉर्डर अभी जो मोटरार जो हमले हुए हैं, जो 70,000 लोग वहाँ से अपने घरों से जो बाहर चले गए हैं, आपने कश्मीर से तो सारे लोग भगा दिए लेकिन जो अब राजौरी में रह रहे हैं, पुंछ में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान भगा रहा है, उसकी वजह से उनको अपनी जो शिफ्ट करना पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो जम्मू और कश्मीर के हिस्सा नहीं है? क्या सिर्फ कश्मीर के ही लोगों के बारे में रोते रहना, उन्हीं का राग अलापना, यही सिर्फ हमारी? और मीनाक्षी जी, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, इलाकों को लेकर भी
ये राज्य सरकार भेदभाव कर रही थी, क्या सुरक्षा को लेकर भी भेदभाव इलाके को लेकर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं हुआ है? अगर आप ये मान के चले कि जो वर्दी में वहाँ पे जो जवान है वो अगर पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर वो वहाँ पे उन पे पथराव होता है, आप कहते हैं नहीं पत्थरबाजों को माफ़ कर दीजिए, उनसे सारे जो केसेस हैं वो वापस ले लीजिए, और अगर कोई ऑपरेशन करता है, ऑफिसर करता है, उसके अगेंस्ट आप FIR कर दीजिए, तो आप किसके साइड में हैं? आप सीधे साफ तौर पर आप बता रहे हैं कि आप फौज के साइड में नहीं है, वहाँ पे आप शांति चाहते ही नहीं है। अगर आप शांति चाहते होते तो एटलीस्ट जो आप इतने बड़े बड़े जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमें तो शांति प्रिय प्रदेश चाहिए, वो आपका कहीं से नहीं आया। यही वजह रही कि आतंकवादी घटनाएं जो है, सीज फायर का उल्लंघन जो है लगातार बढ़ता गया, सरकार का सॉफ्ट एक रहा इस चीजों को लेकर, राज्य सरकार का। जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आंकड़े देखे, हाँ, साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, बढ़ते और इस सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप एक चीज और गौर कीजिए कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे आप एक यूट्यूब के लिए आप फिल्म्स बना रहे हैं, आप सैनिक को मारने से पहले आप उसको उसका इंट्रोगेशन कर रहे हैं कि आपके साथ में ऑपरेशन में कौन था, आप किसके साथ में थे, आपने किस किस को मारा है, तो ये जो आप फिर आप उसको आप व्हाट्सएप में दे रहे हैं, आप यूट्यूब में चला रहे हैं, तो पहले तो ऐसे मिलिटेंसी नहीं थी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंसी नहीं थी, फिर आप कहते हैं कि नहीं वो तो बेचारे भटके हुए यूथ हैं, भटके हुए जवान हैं, भटका हुआ यूथ इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके से अटैक नहीं करता है, वो आपको मीडिया के थ्रू आपको चैलेंज कर रहा है, मीडिया के थ्रू वो आपको यूट्यूब में दिखा रहा है कि देखिए हमारी ताकत, ये सारे आप कहाँ से सीख रहे हैं, आप बाहर आइए। बिल्कुल, सवाल अब सुरक्षा को लेकर ये है, क्या लगातार साल दर साल जो आतंकवादी घटनाएं वहां पर बनी, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्या राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर वहां पर कुछ समझौता किया, क्या सैनिकों का वहां पर इस दौरान मनोबल वहां पर गिरा? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा, बात जम्मू कश्मीर में जो सरकार गिर चुकी है, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसको लेकर क्या बीजेपी और पीडीपी में काफ़ी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, क्या काफ़ी वक्त से बीजेपी इस रिश्ते को खींच रही थी, सह रही थी, धो रही थी? जी देखिए, इसमें समझने वाली ऐसे भी बात ये है कि जम्मू एंड कश्मीर कहने को तो एक स्टेट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वैसे तो तीन पार्ट हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में दो मेजर पार्ट हैं, और दोनों की चाहे कल्चर कह लीजिए, दोनों का चाहे एटमॉस्फेयर कह लीजिए, दोनों का चाहे नेचर कह लीजिए, बहुत डिफरेंस है। इस गठबंधन की बात करिए तो यहाँ बीजेपी और पीडीपी का जो फर्स्ट डे से गठबंधन चल रहा था, दोनों अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। जो एक राजनीतिक प्रयास किया गया यहां पर, उसमें कश्मीर को एक साइड कर दिया गया, कश्मीर का हित कहीं दोनों पार्टियों नहीं सोचा, दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को बांधने की कोशिश कर रहे थे। उसका सीधा सा मैं आपको सबूत साफ दूं कि जब पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनका केवल और केवल ध्यान कश्मीर पर रहा करता था, और बीजेपी का पूरा प्रयास जम्मू संभाग पर रहा करता था। चूंकि आप समझ ही रहे हैं कि कैसे वोटों का बंटवारा होता है, जम्मू पर बीजेपी का कश्मीर में कुछ मजबूरी का गठबंधन था और इधर इनका कोई, तो ये अभी साढ़े तीन साल जो कटे हैं, तो वो जो दोनों पार्टियां अपना अपना उद्देश्य अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रही थी, आज साढ़े तीन साल बाद हालात ये बने हैं कि जो कि वहां की जवाबदेही पूरे देश में बनती है, तो अब बीजेपी को ये समझ में आया कि हमारी ये जवाबदेही बनती है, हालात बद से बदतर हो गए। जो अगर आपको याद ही नहीं, मोदी जी का स्टेटमेंट हुआ करता था ना कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली सरकार में है, हम जिस दिन दिल्ली सरकार में बैठेंगे कैसे किसी की हिम्मत होगी कि हमारी सेना के रहते बॉर्डर से कोई एक भी आदमी घुस जाए। तो अब ये जवाबदेही मोदी जी की बनती है, क्योंकि घुसपैठ ज्यादा बढ़ गया, सीज फायर ज्यादा बढ़ गया, आतंकवादी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई, सैनिकों की हत्या ज्यादा होने लगी, और उसमें भी वहां की जनता का इन्वॉल्वमेंट, अगर आप ध्यान दें तो पहले भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसके बाद भी अनिल जी बीजेपी कह रही कि सब कुछ वहां ठीक चल रहा है, और देश को यह भी समझ में नहीं आ रहा वही इसी पे तो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और बीजेपी दिखा रही है कि
सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य फायदे के लिए अभी तक काम कर रही थी, अब एक साल बचा है तो इनकी जवाबदेही बनती है, बढ़ेगी, तो उसको बराबर करने के लिए जो इन्होंने अभी नुकसान किया या जिसके कारण थोड़ा जनता की नाराजगी बढ़ी है, जनता की नहीं सेना के अंदर भी, जहां सेना है इस सरकार से काफी हद तक खुश दिख रही थी शुरू में, लेकिन कश्मीर मुद्दे को लेकर जिस ढंग से पीडीपी के साथ सरकार चल रहे थे, यार बहुत छोटी चीज समझा दूं कि सेंट्रल की सेना वो पूरी तरह निर्भर होती है स्टेट के पुलिस पर, क्योंकि सारी सूचनाएं वहीं से मिलती हैं, सारी सूचनाएं स्टेट के अपने जो लोकल बॉडी होती है उनसे मिला करती है, तो यहां जो दोनों में विपरीत विरोधाभास था वहां पर हमारी सेना मात खा जाती थी, पीडीपी का दबाव इस कदर होता था कि सेना की कार्रवाई करने के पहले आतंकवादियों तक का सूचना पहुंच दी जाती थी, तो इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है कि अब बीजेपी को लगा कि पानी सर के ऊपर चला गया है, अब ये देखिएगा कि इसका जो एक नया एक्शन होगा, जो भी आप पूछ भी रहे थे, अब सेना को खुली छूट दी जाएगी, क्योंकि पीडीपी और स्टेट गवर्नमेंट का जो एक प्रभाव था, जो एक प्रेशर था, या जो हमारे अंदर दखलंदाजी सरकार की सेना के अंदर, वो खत्म हो जाएगी, अब ये सरकार थोड़ा सख्त एक्शन लेकर कुछ एक्शन कार्रवाई ऐसी करेगी पूरे के केंद्र सरकार पे कि थोड़ा कश्मीर पर भी दबाव पड़ेगा, आतंकवादियों पर दबाव पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ये मिलेगा कि आने वाले चुनाव के पहले अब ये जनता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मीनाक्षी जी, जिस तरह से दोनों पार्टियों का गठबंधन रहा या सुरक्षा को लेकर तो दोनों पार्टियों की ढील रही, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी, केंद्र सरकार कह रही थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और सेना के बीच में जो दूरी थी वो दूरी कम होती जा रही है दोनों के गठबंधन की वजह से, और जम्मू कश्मीर के लोगों का हम दिल जीत रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर वो चीज़ दिख रही थी? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सेना और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल आमने सामने हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दिल जीत नहीं रहे, बल्कि दिल जो है उनका और वो लोग उखड़े पड़े हैं और उनको मौके मिल गए। जी, इनफैक्ट अभी अगर हम ये मान के चलें कि जो सेना का जो मनोबल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, असंतोष की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप सब कुछ होते हुए आपकी जो ट्रेनिंग है, जो लड़ाई करने के लिए जो आपकी ट्रेनिंग है, आप उसके मनबूते आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके तो हाथ बांध दिए हैं, किन्होंने बांधे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ने बांधे हैं, तो जो आपको जो ड्यूटी करनी है तो वो आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे। वेयर एज अगर आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट में अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं पे रेड करने के लिए जाता है, अगर आप उसकी ड्यूटी पे अगर आप आड़े आते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर सेना अगर अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रही है और पत्थरबाज आ रहे हैं या जो लोकल्स हैं वो उनको आगे ऑपरेशन करने में उनकी नाकाबंदी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो दोराहे पे जो सेना वहाँ पे खड़ी थी, तो अब मुझे लगता है कि विद ये जो अपना प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर रूल है, उसके बाद में अगर हम ये कहें कि उनको खुली छूट मिलेगी ऑपरेशन करने के लिए, तो वो खुली छूट नहीं कहिए उसको, प्लीज़ उसको अच्छा। खुली छूट इसलिए मत कहिए कि वो तो उनका काम था, उसको उनको वो एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा, लेकिन अब आगे क्या होगा, अब बहुत सारे यूएन अपने जो मानव अधिकार संगठन वो आएंगे कि बेचारे जो है सिविलियंस को उनको मारा जा रहा है, जो पत्थरबाज हैं उनको मारा जा रहा है, जो राष्ट्रपति शासन अब लग गया है उसके आगे अब सेना को हर चीज से सामना, इन सारी चीजों से सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये सक्रिय हो जाएंगे। ओवैसी साहब कहते हैं कि जो मसल पार है अब वो पूरी सेना वो वहां पे दिखाएगी। पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा है कि हमने ये जो गठबंधन था वो मसल पावर के हम अगेंस्ट है। मसल पावर किसके साथ में की जाती है? कोई सड़क में चलता राहगीर चलता है जो जा रहा है उसके अगेंस्ट कोई मसल पावर की जाती है? जो आपके सामने बंदूक उठाता है तो वो तो आप किसी भी स्टेट में अगर होंगे तो बंदूक का जवाब क्या बंदूक से नहीं दिया जाएगा? आप वहां पे क्या चाहते हैं? आतंकवादियों को बचाने की जब कोशिश की जाएगी और आतंकवादियों के समर्थन में अगर खड़े होकर पत्थरबाजी करेंगे तो फिर सेना तो जवाबी हमला करेगी, तो जवाब तो सेना देगी भी। एके मिश्रा जी, क्या बीजेपी ने जो फैसला लिया, बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारी जान छूट गई, लेकिन बीजेपी को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार, मैं आपको बताऊं, जरा दोनों का नेचर आप देखिए, उस दाग को धोने के लिए, नहीं दाग नहीं, देखिए दोनों ही पार्टियों ने, चाहे महबूबा मुफ्ती रही हो और इवन चाहे उमर अब्दुल्ला साहब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबका गेम प्लान क्या है, देखिए वहाँ वोट क्या है। महबूबा मुफ्ती अपने उसमें कामयाब रही, उन्होंने जो पत्थरबाज थे उनको लेकर उनका सॉफ्ट रहा नजरिया, पाकिस्तान को लेकर रहा, अलगाववादियों को लेकर रहा, लेकिन जो बीजेपी का था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। बीजेपी चाह रही थी कि केंद्र सरकार चाह रही थी कि सख्ती से कार्रवाई, हर पार्टी वहां पे ये सोच रही है कि हम बिन
कंडीशन में है, हमने जीत लिया, लेकिन फैक्ट क्या है? लेकिन महबूबा मुफ्ती या वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं उनका वोट बैंक क्या है? पूरे जे एंड के में भी उनका वोट बैंक नहीं है, उनका वोट बैंक है मैक्सिमम वो कश्मीर वगैरह जहाँ पत्थरबाजी हो रही है वो मेजर वोट बैंक वहाँ, इसीलिए वो हमेशा केवल वहीं की बात करती है, वो जम्मू की लेह की लद्दाख की बात नहीं करती, वो यूपी की बात क्यों करेंगी? बीजेपी का जो ग्रेटर प्लान है 2019 में 400 सीटें या और भी ज्यादा सीटें ले आना, इस चीज से वो न केवल जे एंड के में भी उनको बेनिफिट हो सकता है, पूरे अगर इन्होंने अच्छे से काम कर दिया पूरे इंडिया में एक बार इलेक्शन के पहले फिर से ये जबरदस्त मुद्दा उठा सकते हैं। आप आगे की सोच रहे कि अच्छे से काम कर दिया, लेकिन जो 3.5 साल काम किया क्या उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3.5 साल तक चलिए आप निगेटिव में गए, मैं ये भी मानता हूँ 3.5 साल तक निगेटिव में गए, ये तो एक एग्जाम की तरह है ना, अगर एग्जाम के एक महीने पहले भी आपने अच्छे से पढ़ लिया नहीं। और आप अच्छे नंबर ले आए तो जनता बड़े जल्दी भूल जाती है। नहीं ठीक है, आप दूसरी क्लास में अच्छे ले आए तो पहली क्लास का फिर देंगे, क्या मजबूरी थी आप 3.5 साल जो जवानों को शहीद करवाते हैं? 3.5 वो मजबूरी बता रहे हैं ना, वो मजबूरी बता रहे हैं कि भाई गठबंधन सरकार की मजबूरी है, अगर आप चाहते हो कि आगे ये मजबूरी ना रहे तो केवल हमारी सरकार को, यही तो उनका गेम प्लान है, यही तो उन्होंने बोला कि हमारी मजबूरी क्या है, हमारी मजबूरी है महबूबा मुफ्ती है या और दूसरे स्टेट में भी ये बोलेंगे। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, इन सब लोगों ने ये बोला था, और असली फिर फैक्ट है, जब कोलिजन की गवर्नमेंट होती है तो आप फ्री हैंड डिसीजन नहीं ले पाते हैं, टांग खिंचाई लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसको बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इनकैश किया, और बीजेपी ने गेम ऐसा किया है वहां पे, मैं आपको बताऊं जैसे दूध में अगर आप नींबू डाल दो तो दूध और पानी फट के अलग हो जाता है। अनिल मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल मिश्रा जी, वक्त की कमी है, एक ब्रेक पे जाना है, कम वक्त में जानना चाहेंगे आपसे क्या बीजेपी का ये फैसला बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है? ये सब कुछ ऐसे भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब ये अगला जो एक साल कटना है चुनाव के पहले, इसको देखकर इसको इस पर डिपेंड करेगा कि इस एक साल के अंतराल में बीजेपी किस तरह का एक्शन लेती है, इनके क्या प्लान है कश्मीर को लेकर, और सिर्फ प्लान नहीं है वो जमीनी हकीकत में किस तरह दिखता है, तो ये सब कुछ अब निर्भर करेगा कि आगे ये इनका फैसला इनके हित में है या अहित में। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो ये नुकसान कर बैठे जिसको बीजेपी खुद समझ रही है उसकी भरपाई के लिए बीजेपी कोशिश करेगी। जैसे 2016 में उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसको आज तक गिना रहे हैं, क्या उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, ऐसे ही बड़े बड़े हमले होंगे, और इसको लेकर बीजेपी फिर कहेगी या केंद्र सरकार कहेगी कि देखिए हमने किस तरह से कार्रवाई की, उस वक्त हमारी मजबूरी थी लेकिन आगे भी अगर मौका देंगे इसी तरह की कार्रवाई हम करेंगे, क्या बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी और क्या जनता के सब कुछ समझ में आएगा और क्या ये सब कुछ ऐसा हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट चुका है, सरकार जम्मू कश्मीर में गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, अब क्या सुरक्षा को लेकर नए सिरे से अब रणनीति बनाएगी केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकार अब खुली छूट देगी, क्या पहले जो केंद्र सरकार कह रही थी कि हमने जवानों को खुली छूट दे रखी थी, क्या उस वक्त करनी और कतनी में अंतर था, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि पत्थरबाज किस तरह से सेना का मनोबल लगातार गिरा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी, अब क्या लगता है, अब सकारात्मक असर दिखाई देगा सुरक्षा को लेकर या अभी कहना जल्दबाजी होगी? नहीं, अगर हम ये मान के चलें कि अब क्योंकि राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा मनोबल गिराया सेना का। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अभी जो हम सुरक्षा बल हैं अगर उनको अगर आप पूरी खुली छूट दे रहे हैं ऑपरेशंस करने की तो उनका मनोबल तो ऑब्वियसली उनका बढ़ेगा। अभी तक तो क्या है कि आपने कहा है बंदूक आपके पास में लेकिन हम गोली निकाल देते हैं, तो सिर्फ आपको एक शो के लिए आप हम बंदूक दे के रखेंगे कि हाँ आपको लगे कि आप सुरक्षा बल वाले हो। तो यूनिफॉर्म की जो जितनी ज़्यादा तोहीन की गई है वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई है, और इसी पीरियड में नहीं, अब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में जाके, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तो हमारे जो नेता लोग हैं वो उसके प्रूफ मांग रहे थे कि क्या प्रूफ है कि हमने वहाँ पे जाके हमने उनके तबाह किए हैं। तो अब जब हमारा देश सेना को लेकर इतने ज़्यादा विरोधाभास जो वो अपने कमेंट्स करता है तो उसमें कितना बहुत ज़्यादा बहुत बिल्कुल मीनाक्षी जी, क्या सेना की कार्रवाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो राजनीति हो रही है, कि पहले होता था कि कार्रवाई अगर सेना ने की तो उसको गोपनीय रखा जाता था, लेकिन अब वोट बैंक के को प्रभावित करने के लिए भी
सेना की कार्रवाई को इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या ये देश भर में सब कुछ हो रहा था, इसका सबका असर जो जम्मू कश्मीर में पड़ रहा था? नहीं, अगर आप ये गोपनीय है तो आप ये मान के चलें कि आज की डेट में जब आप हम सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं तो गोपनीय तो कुछ रखा रख के राजनीतिक दल ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो राजनीतिक जो दल हैं अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी जो फौज है वो वहाँ नहीं गई है, दैट मीन्स कि वो एक तरीके से धब्बा लगा रहे हैं कि हमारी फौज जो है इतनी कैपेबल नहीं है कि वो वहाँ पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके और सही सलामत वापस आ जाए। फौज के पास में आज भी इतना दमखम है कि अगर उसको खुली छूट दी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके उनके ऊपर क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो इस वाली जो परिस्थिति में अगर फौज को ऑपरेशंस करने के लिए पूरी खुली छूट दी जाएगी तो डेफिनेटली वो अच्छा काम ही करके दिखाएंगे, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है। अगर उनको ड्यूटी, लेकिन उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप मॉब के आगे आप नतमस्तक हो जाएं, सीने में गोली खाना ये फौज का दस्तूर है, लेकिन जवानों को पत्थर यहाँ से मारना वहाँ से मारना ये कहाँ का दस्तूर है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इन कारणों के वजह से फौज का मनोबल जो टूटा है, और साथ ही साथ जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब वो कमेंट्स करते हैं कि हमारी आर्मी चीफ के लिए बोलते हैं या फौजियों के लिए बोलते हैं, तो वो बहुत ही दर्दनीय है, बहुत ही दुखदाई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि पूरा जो देश है वो फौजी के साथ में है, वो उनका सम्मान करता है, सम्मान मुझे लगता है वो थोड़े दिन चंद दिनों के लिए देश तो सम्मान कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल तो वहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, उसकी वजह से इसका असर पड़ रहा है। ए के मिश्रा जी, क्या दो वजह रही दोनों के पार्टियों के बीच की खटास की? हालांकि काफ़ी ज़्यादा वजह थी, जो मेन दो वजह थी, एक कठुआ कांड और दूसरा जो रमज़ान के महीने में एक तरफा संघर्ष विराम था। आसिफ देखिए, वजहें बहुत सारी थी, लेकिन मुख्य ये दो वजह, नहीं नहीं ये दो वजहों को तो सामने किया गया है, बीजेपी ने ये सामने अच्छा। किया है, उनको तो चाहिए ना कोई रीजन देने के लिए, शो कॉज नोटिस जैसे होता है। हाँ। अगर आप वजह पूछेंगे तो मैं तो सबसे पहला वजह यही बोलूंगा कि दोनों पार्टियों का जब गठबंधन हुआ था तो जिनकी आइडियोलॉजी ही टोटली डिफरेंट है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई बेमेल की शादी भी नहीं चलती है दो तीन साल, तो ये तो सरकार चलाने वाली बात है। दूसरी चीज और ये है कि यहाँ पे दोनों पार्टियों को ये लगा कि जिस पर्पज के लिए, जिस हिडन एजेंडा और पर्पज के लिए बीजेपी को लगा कि हमें जो करना था वो हमने तीन साल में कर लिया है। अभी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने भी बोला कि भाई हमारा जो उद्देश्य था वो हमें पूरा हो गया। दोनों अपने दोनों, इसका मतलब है कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। जब गठबंधन हुआ था तो कॉमन एजेंडा बोलने को कुछ और था, लेकिन दोनों का हिडन एजेंडा और उद्देश्य अलग था, जो कि आज दोनों के मुंह से निकल गया है और इसके कारण ये गठबंधन जो है ये टूट गया है। और दूसरी चीज आसिफ, जो यहाँ पे डिस्कस चल रहा था, देखिए अब होगा क्या आगे, मैं आपको बताऊं, बीजेपी 2019 के इलेक्शन को कैसे प्लान कर रही है, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये कश्मीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ये करेंगे क्या जब फोर्स और स्टेट गवर्नमेंट में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, एक बहुत बेहतरीन सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है ऐसे ऑपरेशंस के लिए। ये जो फिफ्थ जनरेशन की वॉर है, गुरिल्ला वॉर है, जिसमें कोई किसी घर से निकल आता है, कोई किसी घर से निकल आता है, तो लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे मिलिट्री हो चाहे लोकल पुलिस हो, एक बेटर सिंक्रोनाइजेशन आइडियोलॉजी के वे पे भी स्तर पे होना चाहिए और एक्शन के स्तर पे भी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उतने इफेक्टिव वे में ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पॉलिटिकल पार्टियों का ये परम कर्तव्य और धर्म है कि वो किसी भी चीज को पॉलिटिकल वे में वोट बैंक के लिए इनकैश करे, तो दोनों पार्टियों ने ये किया, आज ही कर लिया ना, दोनों पार्टियों ने खुल के बोल दिया। तो ये वही चीज है कि इनको जो जो चीजें करनी थी वो कर लिया, अब आगे केवल राष्ट्रपति शासन का ऑप्शन वहां पे बचा है, फिर बीजेपी डेफिनेटली 101% कुछ न कुछ बहुत सख्त कदम लेगी। मीनाक्षी जी, क्या